15 जून को लद्दाख की गलवान वैली में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। 17 जून को भारतीय आर्मी ने कंफर्म किया कि शहीद हुए 20 सैनिकों में 17 क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे और समुद्र तल से काफी ऊंचाई वाले इलाके में शून्य से भी कम तापमान से जूझ रहे थे। इसके अगले ही रोज यानी 18 जून को चीन ने बंदी बनाए 10 भारतीय जवानों को रिहा किया। चीनी नागरिक होने का दावा करने वाले इस ट्विटर यूजर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कथित रूप से जवानों को हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। यूजर ने दावा किया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में एक भी मौत नहीं हुई क्योंकि चीनी जवानों को ये ट्रीटमेंट दिया गया था। उसने आगे बताया कि PLA पोस्ट के अंदर 10 भारतीय जवानों को भी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी। यूजर ने बताया कि जो 17 भारतीय जवान पूरी रात बिना ऑक्सीजन 0 डिग्री से कम तापमान में छोड़ दिए गए थे, उनकी जान समय पर बचाव न करने के चलते गई। इस ट्वीट को पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी और द गार्डियन के इंटरनेशनल करेस्पॉन्डेंट माइकल सेफी ने कोट ट्वीट किया और इशारा किया कि चीन ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि उनके 5 सैनिक चोटिल हैं जबकि कोई भी मरा नहीं है। असल में कथित चीनी यूजर ने जो वीडियो ट्वीट किया और जिसे हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी बताया जा रहा है, वो 14 फरवरी 2017 को bilibili.com पर अपलोड किया गया था। bilibili.com नाम की वेबसाइट पर अपलोड किए हुए वीडियो पर चीन की सरकारी ब्रॉडकास्ट एजेंसी CNTV का लोगो लगा हुआ है। जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता ने इस हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के इस दावे को असल में साई वॉर यानी साइकोलॉजिकल लेवल पर चल रहे युद्ध का नाम दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये फरवरी का वीडियो है, हालांकि उन्होंने 2017 साल का जिक्र नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीनी प्रोपेगेंडा को कुछ भारतीय लोग भी शेयर कर रहे हैं और ये दुख की बात है। इसके बाद माइकल सफी ने ये साफ करने की कोशिश की कि जिस अकाउंट का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया था वो एक प्रोपेगेंडा अकाउंट है और ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है। लेकिन ये कहते हुए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सब के बावजूद ये पहले आंकड़े हैं जो कि चीनी साइड से आए हैं। इसके बाद स्वाति चतुर्वेदी ने भी ट्वीट करके कहा कि वो सफी की बातों का समर्थन करती हैं। इसके अलावा एक और वायरल तस्वीर में चीनी सैनिकों के कुल 56 नाम लिखे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन 56 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मारा है। असल में जब से भारतीय आर्मी ने कंफर्म किया था कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, चीनी सेना में हुई कैजुअलिटीज को लेकर तुक्केबाजी का दौर शुरू हो गया था। कहीं से भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया था, लेकिन जितने मुंह उतनी बातों वाला माहौल बरकरार था। इसी दौरान अचानक ये ट्वीट सामने आने पर बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स इस पर टूट पड़े। कई लोगों ने ये लिस्ट शेयर की। ट्विटर अकाउंट New Line IFE ने भी इसे ट्वीट किया और बाद में डिलीट कर दिया। असल में यही वो अकाउंट था जिसकी वजह से ये लिस्ट काफी सारे लोगों तक पहुंची। इस लिस्ट में जो नाम थे उन्हें हमने गूगल पर सर्च किया तो मालूम पड़ा कि मामला तो कुछ और ही है। असल में ये सारे नाम हमें एक विकिपीडिया पेज पर मिले। ये पेज था लिस्ट ऑफ जनरल्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। जब आप इसके सीनियर जनरल्स और जनरल्स की लिस्ट देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वायरल हो रही लिस्ट असल में यहीं से उठाई गई है। एक नजर News Line IFE पर भी डाल लेते हैं। ये एक ऐसा ट्विटर हैंडल है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के काम में सक्रिय नजर आया है। 16 जून को जब कई भारतीय पत्रकारों और न्यूज चैनलों ने यह दावा किया था कि चीन के 5 जवान मारे गए हैं, तो उनके इस दावे के पीछे ग्लोबल टाइम्स की एक चीनी पत्रकार का ट्वीट बताया जा रहा था। उस चीनी पत्रकार का सोर्स News Line IFE का ही ट्वीट था जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स को यह सफाई देनी पड़ी थी कि उन्होंने किसी भी आंकड़े का जिक्र नहीं किया है और वो इस मामले में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस वीडियो को बनाए जाने तक PLA के मृत या घायल सैनिकों का आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। चीन का ये इतिहास रहा है कि उसने ऐसे मौकों पर अपने नुकसान का आंकड़ा कभी भी जारी नहीं किया है। इस माहौल में अफवाहों का बाजार गर्म है और ऑल्ट न्यूज लगातार आपके सामने भ्रामक जानकारियों, फर्जी खबरों की सच्चाई लाता रहेगा। ऑल्ट न्यूज को डोनेट करने के लिए जाएं www.instamojo.com/@altnews पर।